पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एक और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार दूसरी बार शपथ लेने जा रही है, वहीं उनके समर्थकों में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी कड़ी में मुरादाबाद से भाजपा पार्षद अजय दिवाकर ने आज तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर से मोदी सरकार बनने की मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई, लिहाजा उन्होंने अपने बाल दान किए हैं। अजय दिवाकर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के उपलक्ष्य में मैंने बालों का दान बोल रखा था, जो कि बहुत बड़ा दान माना जाता है, और मेरे बाल मुझे बहुत प्यारे थे, कई वर्षों से मेरी एक अलग पहचान थी। तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान के अवतार हैं और मैं यहां चौथी बार आया हूं। उन्होंने हर मेरी इच्छा पूर्ण की है। भाजपा पार्षद इससे पहले भी कई बार चर्चा में रहे हैं, वे जादूगर भी हैं और अपने कर्तव्यों से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। अपने प्रचार के दौरान अपने जादू का भी खूब इस्तेमाल अजय दिवाकर ने किया था। मेरे बहुत बड़े बाल थे, कमर से नीचे आते थे, लगभग 8-9 साल पुराने मेरे बाल थे। मैंने भगवान तिरुपति महाराज से एक मन्नत मांगी थी कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आए, तो मैं इन बालों का दान, बालों को अर्पण यहाँ करूँगा तिरुपति महाराज बालाजी आकर। और ये आंध्र प्रदेश में यहाँ भगवान विष्णु के रूप में यहाँ अवतार है, यहाँ स्थित है, यहाँ सबसे बड़ा दान बालों का कहा जाता है। तो उस बालों का दान मैं, जिन बालों से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उन बालों को मैंने यहाँ पर दान देने के लिए कहा, और भगवान तिरुपति महाराज ने मेरी इच्छा पूर्ण की। पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई और मोदी जी की सरकार आई, और मोदी जी के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। तो मैं बस यही इच्छा रखता हूँ कि मैं चौथी बार यहाँ आया हूँ। ईश्वर भगवान बालाजी महाराज मुझे ऐसी हिम्मत दें। जय बालाजी महाराज, तिरुपति महाराज।